केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर देखो दो चीज़ों की बात करनी है हमें, केमिकल रिएक्शंस कैसे कर सकते हैं और इन इक्वेशन को हम कैसे सही से समझ सकते हैं। देखो बेटा ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर सोच रहे हो कि अगर मजाक में इस चैप्टर को लेना है तो बोर्ड में भी अच्छी खासी वेटेज ये रखता है और आपके पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। अभी जैसे आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स हैं, अभी आपके 20 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं एन साइंस यानी नेचुरल साइंस का जो पेपर है आपका, ठीक है ना, उसके अंदर ये चैप्टर आएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन देखो सबसे पहले तो आप कैसे पता लगाओगे किसी चीज़ के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। देखो उसका कलर बदल रहा है या तो उसकी स्टेट चेंज हो, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस इसकी बात कर रही है, यही स्टेट होती है। दूसरा टेम्परेचर, ठीक है ना। अब सबसे आसान तरीका है इक्वेशनों को लिखने के लिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो आईडीई की फॉर्म ले लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमारे कोर्स में दो ही फैमिलियाँ हैं जो इस तरीके के काम करें, एक तो आईडीई और एटीई, सल्फेट एटीई आईडीई ऑक्साइड, समझ गए। अनबैलेंस देखो, बैलेंस अनबैलेंस को हम बाद में देखेंगे, आपको पहले ये चीज़ समझ आई, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन कितने तरह की होती है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन भाई आपके कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। मेरी बात क्लियर है, ठीक है जी। और देखो अब हम बात करते हैं, अगर कोई कह दे कि जी इक्वेशन बैलेंस करके दिखा दो, माने तुम में कितना दम है, तो जी कर देंगे, क्या दिक्कत है। पर उससे पहले हम कुछ बातें का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है या कह लो आवश्यक है। कैसे कि देखो हमें एक लॉ की बहुत बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ना मास बनाया जा सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जाता है, अपनी फॉर्म में या किसी भी फिजिकल फॉर्म की बात कर लो वो नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता, दैट इज क्लियर, ठीक है ना। और एटम जो होते हैं भाई देखो, अगर बैलेंस करना है तो कहीं ना कहीं तो उटपटांग की बात हो ही रही होगी, कहीं ना कहीं तो अनबैलेंसिंग हो ही रही होगी, क्लियर है, कहीं ना कहीं तो अनबैलेंसिंग हो ही रही होगी, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। देखो जो ये वाला हिस्सा होता है ना बेटा, ये रिएक्टेंट होता है, और जो ये वाला हिस्सा होता है ना बेटा, ये प्रोडक्ट होता है, क्लियर है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है और फिजिकल स्टेट क्या क्या होती हैं आपकी, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैटर कितने तरीके के होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अब ये बात देखो, अभी स्केलेटल इक्वेशंस जो होती हैं वो ज़्यादातर अनबैलेंस होती हैं, पर कुछ केसों के अंदर हमें उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी बैलेंस हुई हुई आती हैं। अब जैसे कहते हैं ना, बहू तो भाई आपकी गुस्से में आती है पर जब मायके से आ रही है या जो भी सिस्टम है, ठीक है ना, अच्छे खासे खातिरदारी हो गई उसकी तो खुशी के मूड से आती है, अब घर पर आके फिर पति से लड़ाई हो गई, अब वो अंदर की बात है, समझा खाली रिवील नहीं करना चाहते हम, नहीं तो जतिन बुरा मान जाएगा। देखो स्केलेटन इक्वेशंस, हम इस बात की बात कर रहे हैं स्केलेटन इक्वेशन की, स्केलेटन इक्वेशंस देखो, कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसमें दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे और एक मॉलिक्यूल कार्बन का था, यानी इसीलिए कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इसीलिए कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे हमने बैलेंस करके दिखा दिया जी, ये देखो ये रहा बैलेंस, कहाँ बगर आई कहीं नहीं बग सकती। ZN देखो, अब आपके कोर्स में H2SO4 ये बड़ा बढ़िया सा एसिड है, आपको क्या है आपको पता ही नहीं है ये है क्या, हमें भी नहीं पता क्या है। देखो पर अब समझने की कोशिश करते हैं क्या है और क्या नहीं है और किस बात को लेके हम इसमें इतना परेशान हो सकते हैं। देखो आपके कोर्स में तीन ही तरह के एसिड हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो जी पहला एसिड कौन सा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद HNO3 जो तीसरा एसिड और सबसे लास्ट जिसकी रिएक्शन काफ़ी कम होती, यूजुअली बच्चे ज़्यादातर तौर पे HCl और H2SO4 ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो H2SO4 और HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड, क्या नाम होता है, नाइट्रिक एसिड। अब देखो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कभी कभी टीचर जब सन की बुद्धि में होता है तो वो इस बुद्धि में भी आ जाता है कि बच्चों से मुझे सवाल पूछने हैं, जब अपने घर में अपनी बीबी से गंदी तरीके से लड़के आ रहा है, लड़के वो आया है, सवाल हमसे होते हैं, ठीक है ना।
केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टियों के साथ बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। क्या कहिए, केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर नई प्रॉपर्टियां, नया सब्सटेंस, कोई नया मुद्दा मिल के आ जाए, ठीक है ना, कि हाँ भाई टाइम पास करने के लिए अब कोई नया मुद्दा आ गया तो भाई उसे समझ लो। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अजी अभी बताया तो था पीछे, ये देखो भूल गए क्या, मैंने आपको बताया था ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये वाला ये प्रोडक्ट है, बताया था भूल गए। अजी चलो याद है, चलो डेफिनेशन भी समझाई देते हैं, मानता हूं तुम नादान हो बालक। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन रहा है उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और वो सब्सटेंस जिसे मिला के कुछ बनाया जा रहा है, जिससे कुछ बन रहा है, वो है प्रोडक्ट। अब जैसे मम्मी आलू टमाटर की सब्जी बना रही है, आलू और टमाटर ले रही है, पर जब आलू टमाटर उसका नाम पड़ रहा है तो वो प्रोडक्ट है आलू टमाटर, और जब आलू और टमाटर अलग अलग है ना तो वो रिएक्टेंट है, और जब वो मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो भाई ये एग्जाम्पल दिल पे मत लेना, सिर्फ तुम्हें समझाया गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर अंतर कैसे स्पष्ट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, रेस्पिरेशन श्वसन, लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना और दही का बनना। ये वो दही नहीं है बेटा जो आपके दिमाग में बन रही है, ये कोई और है। केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है, देखो एक तो उसकी अवस्था बदल रही है। अब देखो आप जानते हो कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में बदल जाती है, पर ये वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सॉलिड लिक्विड गैस उसकी स्टेट में बदलाव हो रहा है, उसके कलर में बदलाव हो रहा है। जैसे तुम्हारा स्किन कलर है, घर वाले मार मार के कौन सा कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, ठीक है ना। हमारे गुहेर साहब कई बार इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन ले चुके हैं, पर तब भी ठीक है हम रिवील कर देते हैं। अब जैसे टेम्परेचर में, अब जैसे गाल आप घर तक जाते हो आपका गाल बड़ा ठंडा सा होता है, पर जब वो लाल लाल होता है तो गाल कैसा होता है, गर्मा गर्म, कि उसमें आप शिवम गुहेर बना दो, ठीक है ना, और एक अलग ही गैस निकलती है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि सबके आगे रिवील नहीं की जा सकती, पर शिवम अपनाए कि वो सबके आगे रिवील कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन। देखो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो वर्ड इक्वेशन होता है जिसके अंदर आप वर्ड्स के अंदर लिखते हो, जैसे जिंक, जिंक को हम ZN लिख सकते हैं ना, पर हमने क्या लिखा, जिंक, यानी ZINC, जिंक, ठीक है ना, इसे हमने वर्ड में लिखा। अब इसके अंदर हमने कौन सा एसिड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। अब हमने क्या करा, इससे बनाया जा रहा है, ये आलू है, ये टमाटर है, ये रिएक्टेंट है आपका। अब मिलके क्या आ रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये क्या है आपका, प्रोडक्ट है। पर यहाँ तो कहोगे जी तुमने कहा था आलू टमाटर बनेगा, अजी जरूरी थोड़ी आलू टमाटर ही खाओगे, गरीब लोग हो क्या, पनीर भी तो खा सकते हो, पनीर के साथ प्याज की चटनी भी तो मिलती है। देखो ZN है प्लस H2SO4, इसके अंदर मेरी बात को अच्छे समझना, H2SO4, ये दो आपके दो, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो H2 है और एक है SO4। तो हमने क्या करा, ZN को SO4 के साथ मिला दिया, ZN को SO4 के साथ मिला गया, अब बेचारा क्या हुआ, H2 बच गया, क्या बच गया, H2। अब सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उसके साथ उनका बेस्टी होता है ना। अब बेस्टी क्या करता है कि भाई बंदे को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है ना, ये देखो H2SO4 बेचारा, दोनों की अच्छी सेटिंग चल रही थी, अभी ZN ने आके इन दोनों की जिंदगी भ्रष्ट कर दी और H2 को अकेला छोड़ दिया, जो कि हमेशा होता है, लड़के बेचारे कुंवारे ही मर जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे देखो अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन आपको कोई भी सिंबल जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है केमिकल फॉर्मूले के थ्रू, या कोई रिएक्टेड या प्रोडक्ट के थ्रू, इसके अंदर उसके फिजिकल स्टेट मेंशन हो, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलाइज्ड शुड बी रिटन इन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई आपको देखो एरो फॉर्म दे दे, कोई स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस बना के दे दे, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म दे दे या बैलेंसिंग फॉर्म दे दे, ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैग्नीशियम रिबन का जलना मैग्नीशियम को किस में बदल देता है, ठीक है ना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जब बन होता है तो किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखो मैं बताता हूँ, जब आप किसी चीज़ को जला रहे हो, ये किसी की
वो जलाने की बात नहीं हो रही, ये मैग्नीशियम को जलाने की बात हो रही है, समझा करो, अंदर की फीलिंग है, आप समझ नहीं सकते, गोहिर साहब ही समझेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को एक ऑब्जर्वेशन लो, आप लोगों के हाथ में मैग्नीशियम है, ठीक है ना, आपके हाथ में मैग्नीशियम है और आपने उसे चाइना डिश यानी किसी चीज पर रख दिया गर्म करने के लिए, अब वो क्या आती है लिक्विड फॉर्म में हो गई, अब उसके अंदर क्या आती है बाहर जो ऑक्सीजन थी वो भी आई, अब उसके अंदर क्या आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया बन गया, ऐसे जाके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब उसे एयर के साथ हम जब हम करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपके, पहले ये समझने का, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन समझ गया, केमिकल इक्वेशन समझ गए, बैलेंस कैसे करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को पता चल गया। देखो बहुत आसान होता है किसी इक्वेशन को बैलेंस करना, बस आपको ये देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो मामला है वो बराबर का है कि नहीं, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत आसान बात कहता है, ना वो बनाया जा सकता है ना वो खत्म किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में। अब कहते हैं ना कि जैसे माँ और बाप का प्यार जो हो अटूट होता है, उसे ना कोई बंदा तोड़ सकता है ना बंदी तोड़ सकती है, जैसे कि बंदेबाजी के बीच में तो बेस्टी आ जाते हैं, खत्म कहानी, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से, कौन कौन से तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन जो होती है बेटा, हम सिंपल सी बात करें कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है और कैसे कैसे आप उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं और किस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कोयले का दहन यानी बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया गया क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को कैसे बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 में O2 मिलाया क्या बन गया H2O। अब देखो बनना तो चाहिए था H2O2, पर हमने क्या करा, हमने अभी बैलेंसिंग सीखी है ना बेटा, वो इसीलिए सीखी है क्योंकि ताकि जाहिल बच्चे जो होते हैं ना वो सीख सकें, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, ये देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, जैसे CaO क्या होता है, क्विक लायम, ठीक है ना। अब देखो चूना है, चूना पाउडर फॉर्म में होता है, अब उसके अंदर पानी डाला मैंने, अब उसे क्या बना दिया स्लेग्ड लाइम बनाया, कैसे बनाया CaO में H2O डाला तो CaOH आ गया। अब देखो जी क्या हुआ, अब इसके अंदर हम कुछ अलग तो कर नहीं सके, तो जी हमने अलग ना करते करते हमने क्या करा, एक ही बात को बार बार घसीट दिया, और वो बात क्या थी देखो, हमने CA तो ऐसे ही लिख दिया, अब देखो H तो हमारे पास दो है, एक O है, एक O इधर है, एक O उधर है, तो हमने क्या करा H भी दो कर दिया और O भी दो कर दिए। अब हमें पता चला जी O जो है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अब तक फिक्स नहीं है, तो ठीक है ना, हमने O को पहले इसलिए लिखा और ऊपर से H लिखा। ये बात सिर्फ एक मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, आप लोगों को सीधा ये बात समझनी है, जब उसके अंदर पानी मिलाया जाता है तो वो स्लेक लाइम बन जाता है CaOH। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के द्वारा, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है ना, CH4 O2, इन दोनों को मिलाया गया, CH4 किसे कहते हैं बेटा मीथेन को कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन डाला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस H2O यानी वाटर बना, साथ में हीट रिलीज हुई। अभी हमने बताया था ना बेटा क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या है हीट रिलीज है, ये वाला सिस्टम देखो, ये वाला जो पार्ट है ना इसे समझने की कोशिश, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा सिंपल भागों में बट जाता है, उसे क्या कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कहते हैं हम उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो जी हमने ये बात भी तुम्हारी मान ली, सिर्फ मानी है हुई नहीं है, हमने सिर्फ यह बात आपकी मानी है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं डिकम्पोज, देखो जिसमें ए से क्या बन रहा है हमारा B+C। अब डिकम्पोजिशन भी तीन तरह की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, तो शुरुआत करते हैं थर्मल से।
थर्मल रिएक्शन वो होती है जो हीटिंग की प्रेजेंस में होती है, जैसे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट यानी Fe मतलब फेरिक्स यानी आयरन, आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, SO4 यानी सल्फेट, मैंने क्या बताया Fe यानी फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसे हम हीट करते हैं तो ये कौन से कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। बेटा याद रखना ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके तहत। देखो फी सो सो O3 O2 O3 फी सो सो, हमारी टीचर ने भी हमें ऐसे याद कराया था और आप भी ऐसे याद करो, फी सो सो ठीक है ना, O3 O2 O3। अब CaO क्विक लाइम नहीं होता बेटा, CaO होता है आपका क्विक लाइम, CaCO3 होता है आपका लाइम स्टोन, ठीक है। लाइम स्टोन को जब हमने बांट दिया तो इसमें से हमारा क्या निकला, CaO यानी क्विक लाइम प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो थर्ड रिएक्शन है ना बेटा, इसे इतनी अच्छे से पढ़ लेना, ये एज इट इज बोर्ड में आई थी इस साल और दूसरे से तीसरे नंबर पे ही आई थी बेटा, दूसरे से तीसरे नंबर पे ही आई थी MCQ में। क्या पूछा था पता है आपको, रिएक्शन दे दी थी, पूछा था यहाँ पे जो बैलेंसिंग कर रखी है ना ये कैसे कर रखी है, ये पूछ लिया था। कितने आरामी है देखो, ये PbNO3 के होल ट्वाइस, तो इससे क्या बन रहा है PbO प्लस 4NO2 गैसियस फॉर्म में जिसमें ऑक्सीजन हमारा साथ में, ठीक है ना। ये है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये क्या है, लेड नाइट्रेट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई, देखो जी समझ लो, जब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, यानी किसी चीज़ में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है तो कैसे। अब देखो कैथोड में कौन सी गैस हो गया भाई, हाइड्रोजन, और एनोड में कौन सी गैस होती है जी, ऑक्सीजन, ठीक है ना, समझ गए। पानी कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक से बन रहा है, H2O, H2 प्लस O2, हमने क्या बताया हमें अलग अलग करना है। अब हम बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक क्या होता है, जिसके अंदर जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हो, जिसके अंदर सनलाइट पास करी जा रही हो, ठीक है ना। जैसे देखो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। ये लाइन कह क्या रही है, पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करो, ये एक लाइन क्या कह रही है, देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करो। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना वो ज़्यादातर एंडोथर्मिक होता है नेचर की, क्योंकि वो हीट फॉर्म करती हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी, या जनरली लाइट और इलेक्ट्रिक हीट हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो, जनरली कोई भी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, जैसे AgCl ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के अंदर क्या होगा, Ag अलग Cl अलग। घर वालों ने कहा बेटा बहुत पैसा है, मैं अलग मेरे पैसे अलग, और क्या चाहिए, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन टू द सनलाइट, बहुत ज़्यादा आता है भाई, कैसे भूल गए इस क्वेश्चन को, याद है ना क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर यही दो रिएक्शन लिखी जाएंगी आपकी, याद रखना, मुझे मत कहना बाद में नहीं लिखा तो, पेपर में आएंगी फर्स्ट टर्म में, अच्छे से देख लेना ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं, यही रिएक्शन दोनों किस में यूज़ की जाती हैं, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के अंदर, किस में यूज़ की जाती हैं, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी के अंदर। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट हो गया, जरूरी नहीं हीट भी, लाइट भी हो सकता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, पर होंगे यही। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अजी देखो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने अभी आपको वो लौंडी और पेस्टी वाली कहानी बताई थी ना, तो वो यहीं चल रही है आपकी। देखो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, भाई ऐसा देखो ये हम किताबी नॉलेज से ज्ञान ले रहे हैं। देखो Fe प्लस CuSO4, इसके अंदर दो चीज़ें, एक Cu है और एक SO4 है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ, Fe के साथ SO4 जुड़ गया और Cu अकेला छूट गया, उसने उसकी बंदी ले ली, काम करता हूँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक आयरन नेल यानी लोहे की कील को, लोहे की कील जो होती है, लोहे आयरन नेल बिकम्स अ ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंज इन डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ SO4, ठीक है ना, समझे इस बात को, नहीं समझे। जो लोहे की कील होती है जब उस पर जंग लग जाता है कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की, ठीक है ना।
क्यों होती है, ठीक है ना। और जब ब्लू कलर का जो CuSO4 का होता है जब वो बदलता है तो वो ग्रीन कलर के अंदर हो जाता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है FeSO4, ठीक है ना, FeSO4, ठीक है ना, ये बात है। Zn में CuSO4 लाया तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक क्या था आपका, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मेरा वेस्ट फ्रेंड उसकी वेस्टी, उसकी वेस्ट फ्रेंड, अब दोनों रिप्लेस हो गए, Na2SO4 BaCl, Na हो गया Cl के साथ, Ba हो गया SO4 के साथ, यानी मेरा दोस्त मेरी वाली के साथ, उसकी दोस्त मेरे साथ, एक्सचेंज ऑफर, समझ रहे हो? कांचा ताई, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये वाली रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बोर्ड में आई है, एज इट इज बेटा, एज इट इज, ये रिएक्शन गोल के पी जाना, और नहीं भी आई तो भी आपके नॉलेज के प्रोस्पेक्टिस के बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दो रिएक्शंस हैं इसमें, देखो बेटा दो दो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, एक ये री, ये बंदीबाजी वाली बात तो बताई थी ना आपकी, वो यही है, ठीक है बेटा, जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना वो ऐसे ही बनता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और हाइड्रोजन को फेंका जाता है, यानी जब बंदी अंधाधुन अपने बंदे पर ट्रस्ट करती है तो बंदा सबसे पहले उसका बेस्टी अलग करवाता है, और रिडक्शन में क्या होता है, जब बेस्टी जीत जाता है तो बंदे को पहले थिकवाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, फिर नौबत आती है कि बंदी लगा जाओ यानी भगा के ले लो, पर अब तो तुम बालक हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, ये टाइम आपके पढ़ाई का, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, उसे भी कामयाब कर लो, तुम भी हो जाओ, ठीक है ना, और जब कामयाब हो जाओ तब खुशी खुशी ले जाना, भगा के ले जाना, अपने घर वालों को भी बोलोगे नहीं जी मैं भगा के ले जा रहा हूँ, तो घर वाले भी कहेंगे जी आई एम सेटिस्फाई, हम खुश हैं। जैसे CU में CU में O2 जोड़ूंगा क्या बनेगा, CuO, ये हीट की रिएक्शन, ठीक है ना, हेलो, ठीक है। अब CU में क्या हुआ, जिसकी ऑक्सीजन चली गई उसकी तो दुनिया की जान चली गई, ऑक्सीजन चला गया यानी रिडक्शन का शिकार हुआ है, और जिसमें ऑक्सीजन मिल गई, कहते हैं अपनी वाली से तो कहते हैं बात दूसरों की से सब शादी कर लेते हैं, दम है तो अपनी वाली से करके दिखाओ, तो माने। अब बात करते हैं कोरिजन, कोरिजन बेटा ये वही कोरिजन है जो आपके दिमाग में लग गया है, ये वही कोरिजन है शिवम गोहेर, जो आपके दिमाग में जंग लग गई है उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। When metal exposed to a moisture, air, acid, sometime a layer of hydrate oxide is formed which weakens the metal, hence the metal is said to be corroded, ठीक है। जब किसी मेटल को मॉइस्चर या एयर में रखा जाता है, मॉइस्चर या एयर में रखा जाता है तो वो मेटल जो होता है कोरोड हो जाता है, यानी उस पर जंग लग जाती है, उस पर कौन सी लेयर आ जाती है, हाइड्रेट ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, किसकी लेयर आ जाती है, हाइड्रेट ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। चलो जी समझ गए, हमने ये बात भी मान ली, हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिजन, ठीक है ना, लोहे पे पेंट कर देते हैं, समझ रहे हो, जैसे तेरी बुद्धि में पेंट कर दिया था हमने, ठीक है ना, क्यों करा था बेटा, ताकि तू उसे इस्तेमाल ना करे, अब हमें क्या पता था जंग लग जाएगी, पेंट सूख गया होगा, ठीक है ना। कोरिजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह लो या कह लो बाय अप्लाइंग पेंट, यानी पेंट करके बेटा, जैसे घर पेंट कराते हैं, काश ऐसा होता ना कि इंसान को पेंट कराते तो हर साल नए इंसान देखने को मिलते। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, यानी खुले में कोई सामान रखा जाता है तो उसके अंदर क्या है, स्मेल आ जाती है, ठीक है ना, उस चीज को हम रेंसिड कह सकते हैं, रेंसिडिटी कह सकते हैं,
तो इसीलिए चिप्स पैकेट खराब ना हो इस चीज के लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? एंट एसिड्स डाल के और अपने खाने को टाइट कंटेनर्स में, तुम देखते हो कई पन्नियाँ इतनी बड़ी होती है पर उसके अंदर ना इतनी टाइटली किसी चीज़ को पैक करके रखते हैं ना कि किसी चीज़ को इतना टाइटली पैक करके रखते हैं कि वो बाहर ना निकले, ठीक है। रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन, मैंने क्या कहा भाई? नाइट्रोजन या फ्रिज में रख दो भाई, हमें क्या बता रहे, रख दो फ्रिज में, हम कौन सा रोक रहे हैं। अब देखो जरा ये एक दो क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। शाइनिंग फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश, भाई देखो दीवार पे जब आप वाइट वॉश करवाते हो तो वो किसके कारण आता है? भाई देखो CaO तो हमारा क्या है, पानी डाले CaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के कारण आपकी दीवार पे शाइन जो होता है, शाइनी फिनिश आता है। किसके कारण आता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या होता है? 9th क्लास से हम याद कराते आ रहे हैं, क्या है इसका रेशियो? 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2, यह है 2:1, ठीक है ना। अब आपको इसमें बोला हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर Fe में जब H2O मिलाया और जब उसने उसकी बंदी को ले लिया तो इसके अंदर कौन सी चीज ऑक्सीडेशन हुई, मतलब किसका क्या गया, यानी किसकी ऑक्सीजन गई, किसका हाइड्रोजन गया, वो सब बताना है। अब आप बताओ कि ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आपको बताना पड़ेगा कि एक ऐसा ऑर्डर बताओ जिसके अंदर पोटैटो चिप्स को हम पैक करके रखते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर, और कौन सी गैस का हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं। देखो प्लास्टिक कंटेनर में कौन सी गैस है बेटा, तो वो है नाइट्रोजन। अब देखो एक चीज़ हमारी रह गई, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी बहुत, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम आपको पिन कर देंगे, उससे आप कर लेना।